खबर रायबरेली से, जहां बीती 30 मई को महिला दरोगा से हुई लूट मामले में मुठभेड़ के बाद तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पकड़े गए सभी बदमाश बिहार राज्य में कटिहार के रहने वाले हैं। महिला दरोगा से हुई लूट मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश निहायत शातिर हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए यह अंतर्राज्यीय बदमाश जिस राज्य और सिटी में होते हैं वहीं की नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। जिस बाइक का इस्तेमाल यह लूट के लिए करते हैं वह भी चोरी की ही होती है। पुलिस के मुताबिक बिहार के कटिहार से यह बदमाश दो दिन पहले ही रायबरेली पहुंचे थे। यहां इन्होंने बैंक से पैसा निकाल कर जाने वालों की रेकी की। घटना वाले दिन महिला दरोगा ने 5 लाख रुपए निकाले थे, तो इनका एक साथी वहीं से अपने साथियों को लोकेशन देता रहा। इसके साथ ही दो अलग अलग बाइक में दो दो की संख्या में आगे मौजूद थे। मौका मिलते ही डिग्री कॉलेज चौराहे के पास नोटों से भरा बैग छीन कर फरार हो गए थे। बदमाश इत्तेफाक से चेकिंग के दौरान हत्थे चढ़ गए, वरना इन्हें पकड़ पाना इसलिए मुश्किल था क्योंकि बाइक पर फर्जी नंबर का इस्तेमाल करते हैं। चेहरे हेलमेट से ढके थे और जिले में इनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। फिलहाल पुलिस इनके दो साथियों समेत इनका आपराधिक इतिहास तलाश रही है। विराट 24 के लिए रायबरेली से संवाददाता श्रवण कुमार की रिपोर्ट। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।